नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आपने हो सकता है कि ये खबर सुनी होगी कि एक्ट्रेस पूनम पांडे की मृत्यु हो चुकी है और कारण था सर्वाइकल कैंसर। अभी सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस की मृत्यु हो सकती है अनअवेयरनेस की वजह से, तो आप ये सोचिए कि आम जनता में इसको लेके कितनी कम जागरूकता है। तो आज इसके इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, और अगर किसी को हो गया है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइकल कैंसर को समझने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सर्विक्स क्या होता है। बच्चेदानी के मुंह वाले हिस्से को सर्विक्स कहा जाता है, यानी कि जिस जगह से बच्चेदानी खुलती है उस हिस्से को सर्विक्स बोला जाता है। यदि उस हिस्से में कैंसर हो जाए तो उसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्दन की हड्डी का कैंसर हो जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स के कैंसर को बोला जाता है। इसके बारे में जानना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत में महिलाओं के अंदर होने वाले कैंसर्स में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। अगर 2020 के आंकड़ों की बात की जाए तो 1,24,000 नए मामले सामने आए थे इस कैंसर के, और 77,000 मृत्यु हो चुकी थी सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से हमारे देश के अंदर। अब इसके लक्षणों को जान लेते हैं। सबसे पहले जो लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं वो है एक्सेसिव डिस्चार्ज होना, यानी कि वजाइना से सफ़ेद या गंदा या बदबूदार पानी निकलना और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलना, इंटरकोर्स करते हुए ब्लीडिंग होना या फिर दर्द होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, पेशाब में जलन महसूस होना या फिर वजाइना के हिस्से में अंदर से दर्द या फिर गुदगुदी होना या फिर जलन होना, ये इसके कुछ शुरुआती लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं सर्वाइकल कैंसर में। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं, किन वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, इसको जानते हैं। सर्वाइकल कैंसर दरअसल एक वायरस की वजह से होता है जिसे बोला जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि ये HPV वायरस हमारे शरीर में जाता कैसे है, ये जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। अगर किसी भी महिला के बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, यानी कि मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने किया हुआ है, या फिर वो कम उम्र से ही सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी है, तो इस वायरस के उसके शरीर में जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वायरस धीरे धीरे करके जब हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहता है तो धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और आगे चल के फिर ये उस सेल्स को, सर्विक्स के सेल्स को बिगाड़ना शुरू करता है और उनमें कैंसर पैदा कर देता है। इसके जो मुख्य कारण हैं उनमें आता है अनसेफ सेक्स, यानी कि ये एक STI है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसके साथ ही अगर किसी भी महिला के अंदर लो इम्यूनिटी है, यानी कि उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, या फिर वो स्मोकिंग बहुत करती है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने के। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि इस कैंसर को डेवलप होने में 10 से 15 साल का समय लगता है, तो अगर हम शुरुआती स्तर में इसका पता लगा लें तो हम इसको पूरी तरह से यानी कि 100% ठीक कर सकते हैं। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? लड़कियों की कम उम्र में शादी ना की जाए, बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स से बचें, इसके अलावा रेगुलर इंटरवल पे अपनी जांच करवाते रहें। कुछ जांच होती हैं जिनमें एक पैप स्मियर है और एक कॉल्पोस्कोपी है, इसको आप करवा सकती हैं रेगुलर इंटरवल पे, थोड़े थोड़े टाइम पे आप करवा सकते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि आपको कहीं सर्वाइकल कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काम की चीज़ है वो है इसके अगेंस्ट वैक्सीन लेना। जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनी हुई है और जो कि बहुत ही कारगर है। अगर आप इस वैक्सीन को ले लेते हैं तो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन आपको काफ़ी हद तक मिल जाएगी। ये तो हमने जाना कि हम कैसे बच सकते हैं इस कैंसर से, पर यदि अगर किसी को ये कैंसर हो गया है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है और शुरुआती स्तर का ही कैंसर है तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, आपकी कुछ जाँचें की जाएंगी, ये भी देखा जाएगा कि कहीं ये कैंसर बाकी हिस्सों में तो नहीं फैल गया है। अगर वो बाकी हिस्सों में नहीं फैला है और सिर्फ सर्विक्स तक ही सीमित है तो सर्विक्स का जिस हिस्सा उस कैंसर से ग्रसित है उसको काट के निकाला जा सकता है और साथ में कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे ये कैंसर आगे ना स्प्रेड हो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई आपको सभी जानकारी समझ में आई होगी और आप सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर पाएंगे अपना और अपने चाहने वालों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों को
जिनको आपको लगता है कि इससे बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या अवेयरनेस इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉमन है कि कई बार हमें पता भी नहीं होता और हमारे परिवार में ही कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसको ये बीमारी अंदर ही अंदर बन रही होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।